हेलो दोस्तों, मैं आपका सीए दोस्त एक बार फिर। अब आज हम कर रहे हैं हमारा एक SQC, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। यानी कि सिंपल सिंपल है कि वो फर्म्स जो कि ऑडिट करती हैं, तो उन ऑडिट जो फर्म्स ऑडिट करती है उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उनको क्वालिटी कंट्रोल बना के रखना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल किस चीज़ के लिए? क्वालिटी कंट्रोल इन सब चीज़ों के लिए कि जो फर्म है और जो पर्सोनल है उसे कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट्स इशूड बाय द फर्म आर अप्रोप्रिएट। क्वालिटी कंट्रोल शुड पॉलिसी। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होना चाहिए? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। एथिकल रिक्वायरमेंट, तो आज हम ये एथिकल रिक्वायरमेंट का पॉइंट समझेंगे कि क्या है, और इसको कुछ पॉइंट्स याद करके इसको कोशिश करेंगे एक स्टोरी टाइप में कि इसको हम याद कर ले पूरा। तो उसके लिए हम करते हैं इंडिपेंडेंस हो गया, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टीन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। तो हमें ये करना है एथिकल रिक्वायरमेंट, तो इसको करते हैं। अगर मैं सिंपल कहूँ तो जो पर्सन होता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन जो है वो ऑडिट नहीं करता। ये पर्सन मैं जो कह सकता हूँ होता ही है कि ये पर्सन ऑडिट नहीं करता, ये सिर्फ एथिकल रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है। तो हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसा होता था कि एक पर्सन होता था जिसको हम कहते थे मॉनिटर, प्यार से। आप इमेजिन करिए कि इस मॉनिटर के हाथ पे एक बहुत बड़ा स्केल है। हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो भाई हमारे पास तो यही चीज़ें होती थी, हालांकि मैं कभी मॉनिटर नहीं बना। एक बड़ा सा स्केल है और उस स्केल पे लिखा हुआ है होमवर्क, क्योंकि जब होमवर्क चेक होना होता था तब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि हम होमवर्क कभी पूरा करते नहीं थे। अब क्या हुआ, इसने अपना, इमेजिन करिए कि इसने अपना स्केल फेंका और ये स्केल इसका ऐसे गया, उस पर होमवर्क लिखा हुआ था। अब इस इमेजिन करिए, इस होमवर्क में से होमवर्क जो था, सब्जेक्ट निकल रहे हैं, पहला सब्जेक्ट निकला इंग्लिश का, इंग्लिश की कॉपी निकली। अब इंग्लिश की कॉपी में से छोटी छोटी चीज़ें निकल रही हैं, मतलब छोटे छोटे गोले गोले निकल रहे हैं। एक निकला N, दूसरा निकला T, दूसरा तीसरा निकला E, NTE। उसके बाद एक लिस्ट निकली इसमें से NTE के साथ ही, ई के पीछे पीछे एक लिस्ट चिपकी हुई थी ई के साथ, ऐसे लिस्ट, NTE के साथ लिस्ट। और उस लिस्ट के साथ एक आदमी, एक टॉय चिपका हुआ है ऐसे करके, जिसके हाथ पे DOC लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इमेजिन करना पड़ेगा नहीं तो पॉइंट्स याद नहीं होंगे। तो यानी ये सारे चीज़ें निकल के मान लेते हैं नीचे गिर गई है। अब क्या हुआ, जब ये गिर गई तो बच्चों को पता चला कि भाई आज तो होमवर्क चेक होना है, होमवर्क चेक होना है आज तो। तो जब होमवर्क चेक होना होता है तो क्या होता है, इमेजिन करिए कि ये बच्चे हैं दूर दूर बैठे अपने अपने डेस्क पे, ये भी हैं ये भी हैं। इसने क्या करा, एक ऐसे रस्सी फेंकी इसके कान के पास और इसमें बोलने लगा कि आज तो होमवर्क चेक होगा। ऐसे ही और भी बाकी बच्चे ने ऐसे ही रस्सी फेंकी। अब क्या हुआ, इसमें से एक बच्चा निकला, कुछ होते थे स्कूल में कैसे चिरान बच्चे विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, जो हमेशा होमवर्क पूरा करके रखते थे। ठीक है, इमेजिन करिए कि इसमें से निकला और ये रस्सियाँ तोड़ते हुए बाहर निकला ये बच्चा। तो कुछ होते थे ऐसे बच्चे जो कि बहुत बड़े होते थे और जो हमेशा कहते थे कि, याद दिलाते थे कि सर आज होमवर्क चेक करना है, मैडम आज होमवर्क चेक करना है। यानी ये वो निकले बाहर, निकला लड़का बाहर, अब इसने कहा कि होमवर्क चेक करना है, और ये हमेशा कहता था कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है, ये हमेशा कहता था इसका होमवर्क कंप्लीट है। उसके बाद लेकिन तब भी ये जो बच्चा होता था ये बता देता था, जिस वजह से हमारा इससे हमेशा ही झगड़ा रहता था ऐसे बच्चों से, यानी कि हमारा कभी भी ओपिनियन नहीं मिलता था, या मैं कहूँ हमारा हमेशा डिफरेंस इन ओपिनियन होगा। अब ये जब तक दिमाग में चीज़ें आएंगी नहीं, या फिर मैं कहूँ फिगर्स नहीं आएंगी दिमाग में, तो हमें ये याद नहीं होगा। तो ये तो आपको याद दिमाग में इमेजिनरी फिगर्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेन हमें पॉइंट्स लिखने एग्जाम में पॉइंट्स के नंबर मिल रहे हैं। फिर क्या होता था, जो सर होता था या मैडम जो भी होती थी, वो हमें हमारे जैसे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देता था। और क्या होता था, हम क्लास से बाहर चले जाते थे और बाहर जाने के बाद कॉरिडोर में खड़े होकर हम आपस में
बातें करते रहते थे कल के लिए कि क्या होगा, यानी हम कंसल्टेशन में बिजी हो जाते थे। तो यानी अगर मैं एक बार याद करूँ तो मुझे सारे के सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, लेकिन मैं पहले आपको पॉइंट्स बताता हूँ क्या क्या। तो जैसे हमने इमेजिन करा था कि मॉनिटर है, मॉनिटर के हाथ में स्केल है, और स्केल में से सबसे पहले क्या निकलता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश का मतलब एंगेजमेंट, यानी ENG होता है खाली। अगर हम देखें ENG, तो ENG से मुझे पता चल जाएगा कि एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद एंगेजमेंट में क्या निकला था, लिस्ट, यानी कि ये लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद क्या निकला था, NTE, यानी आप यहाँ पे NTE डिसाइड करना है एंगेजमेंट का। और क्या निकला था उसके अंदर, तो यानी कि 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो के अंदर हमें ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। NTE निकला था, और NTE के बाद क्या था उसके अंदर, वो क्या निकला था, DOC, यानी डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या हुआ था, हमने कहा था कि ये बच्चे आपस में एरियरस इफेक्ट के बात कर रहे हैं कि भाई होमवर्क चेक नहीं होना चाहिए, इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, यानी हमारा पॉइंट कॉन्फिडेंशियल का ये रहा, कॉन्फिडेंशियल एंगेजमेंट एक्सेट्रा ऑफ एंगेजमेंट एनश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी सेफ कस्टडी इंटीग्रिटी एक्सेप्टेबिलिटी। लेकिन उसमें कोई एक चिरान बच्चा था जिसने बता दिया था, जिससे हमारा ओपिनियन नहीं कभी नहीं मिलता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था, यानी ये पॉइंट difference of opinion, establish quality control to resolve difference of opinion, ये important point है, with engagement team, यानी engagement team मतलब वो with those consulted and engagement partners, यानी कि engagement team वो जो audit कर रही है, और engagement partner जो कि check कर रहा है हमारा monitor जो है quality control को, engagement quality को review, ठीक है, अगर इनके बीच में कोई difference आता है तो। उसके बाद जो टीचर था वो हमें बाहर निकाल देता था, और हम क्या करते थे, वहाँ जाके कंसल्ट करते थे। तो ये हमारा पॉइंट कंसल्टेशन ऑफ डिफरेंट मैटर डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर मैं देखूँ तो हमें सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई इशू है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका कोई मैं बेहतर तरीके से कुछ कर सकता हूँ, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं क्रिएट करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं अपने तरीके से या कैसे भी करके एक इमेजिनरी फिगर बना के हम उसको याद कर सकें। तो नवंबर 2016 के पेपर बस आने ही वाले हैं, तो मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ आपको सबको कि आप उसमें बहुत अच्छा करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बाय।